हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी को खोलने के लिए फाइनली नोटिस, एक ऑफिस ऑर्डर आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपके बताऊँगा कि आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो कब से रीओपन हो रहा है, क्योंकि अब कोविड के केसेस इंक्रीज़ नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर तो बिल्कुल ही घट चुके हैं। अब जो डेली हज़ारों के हिसाब से थे, अब वो सैकड़े से भी कम आ रहे हैं। तो इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अब डिसाइड किया है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अब रीओपन होने वाली है। और कैसे कैसे क्या होने वाला है सारा इस ऑफिस ऑर्डर में बताया हुआ है। तो मैं आपके सामने इसी ऑर्डर के बारे में आपसे जिक्र करूँगा कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है और किन किन को कॉलेज जाना है, किन को नहीं जाना है। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो वैसे रेगुलर वालों के लिए ही होने वाली है। वैसे भी एसएल वालों की तो कोई भी क्लासेस नहीं होती, तो रेगुलर वालों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेगुलर वाले फ़ीस भरते कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा। तो देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या है। जैसे कि 5 अगस्त को नोटिफिकेशन निकाला गया, ऑफिस ऑर्डर है, इन कंटिन्यू टू द ऑफिस ऑर्डर नंबर ये 7 जून, इट इज़ अ नोटिफाइड ऑल कॉलेज सेंटर डिपार्टमेंट शैल बी फुली फंक्शनल एंड देयर फॉर ऑल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ शैल अटेंड द ड्यूटीज एट देयर वर्क प्लेस विद इमीडिएट इफेक्ट, टेकिंग ए नोट ऑफ डिक्लाइन इन नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस, यानी कोविड-19 केसेस को देखते हुए इट हैज़ बीन डिसाइडेड डैट डायट क्लासेस एंड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क इट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ PG एंड UG प्रोग्राम स्टूडेंट इन साइंस कोर्सेज इन यूनिवर्सिटी एंड इट्स कॉलेज शैल बी कंडक्ट इन फिजिकल मोड विद इफेक्ट फ्रॉम 16/8/2021। यानी कि कोविड के केसेस को देखते हुए, जिस तरीके से कोविड के केसेस में डिक्लाइन, यानी जिसके कोविड के नंबरों में कमी आ रही है, उसको देखते हुए ये फैसला लिया जाता है कि जितने भी UG और PG वाले ऐसे कोर्सेज जो साइंस से रिलेट करते हैं, यानी साइंस के स्टूडेंट हैं, जो साइंस कोर्स में कोई साइंस का, जैसे कोई BPharma कर रहा है या कोई BSc कर रहा है, तो उनके जो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क होने वाला है वो फिजिकल मोड पर ही कंडक्ट कराए जाएंगे। इसीलिए अब ये कॉलेज खोलने के लिए इन्होंने बोल दिया है। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी ऐसे कॉलेजेस जो साइंस के स्टूडेंट को सपोर्ट करता है पढ़ाने के लिए, तो वो 16 तारीख से ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस खुल जाएंगे, सिर्फ प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के लिए जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं। यानी 16 तारीख से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज खुलने जा रहे हैं। और इसमें और भी बताया हुआ है कि नेसेसरी प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट, यानी प्रोटोकॉल का पालन करना है कोविड-19 के जो भी है। द ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज शैल कंटिन्यू फॉर द ऑल अदर एकेडमिक प्रोग्राम, यानी ऑनलाइन टीचिंग और ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी अदर प्रोग्राम के लिए, सिर्फ साइंस के स्टूडेंट के लिए अभी ऑफलाइन मोड के लिए कॉलेज खोला जा रहा है। यानी इनके ऊपर प्रैक्टिकल किया जाएगा, देखा जाएगा कि इनको कोविड होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो साइंस के स्टूडेंट, ऐसे जो भी स्टूडेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोच रहे थे कि हमारे कॉलेज कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो फाइनली 16 अगस्त से आपके कॉलेज खुल जाएंगे। आपका जो प्रैक्टिकल जो भी होगा वो अब आपका फिजिकल मोड पे, यानी ऑफलाइन मोड पे ही होगा। द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज एंड प्रोवोस्ट ऑफ हॉस्टल्स शैल इंश्योर स्ट्रिक्ट टू ऑल द गाइडलाइंस प्रोवाइड, मतलब ये कुछ नहीं है, तो सिंपल है। एलिजिबल द आउटस्टेशन स्टूडेंट डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोटोकॉल, इट इज़ द रिटायर्ड डॉक्टर MH मतलब कॉलेजेस हेड ऑफ द कॉलेज सेंटर डिपार्टमेंट शैल इंश्योर एट ऑल टाइम्स कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड, मतलब ये इन्होंने कहा है कि सारा ये देखे कि कोई गाइडलाइंस को पालन कर रहा है नहीं कर रहा है, जो भी स्टूडेंट कॉलेज में प्रोजेक्ट देने आएगा कॉपी टू, ये तो सारा उनका ही हो गया, रजिस्ट्रार की साइन हो गए। तो फाइनली इस नोटिस का मतलब यही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी फाइनली खुलने जा रही है और 16 अगस्त से दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट के लिए। अभी अदर जो भी प्रोग्राम है, BA प्रोग्राम के हो चाहे जो भी हो, उनके लिए अभी ऑनलाइन ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है पहले की तरह। ठीक है, तो बस वीडियो आज के लिए बस इतना ही। बाकी कोई और डाउट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी नोटिफिकेशन जरूर उसमें शेयर करना था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कब से ओपन हो रही है। तो ये मानिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है। तो पहले
कॉलेज खुलेगा फिर धीरे धीरे कोर्सेज को भी इसमें ऐड कर देंगे 50% के साथ बढ़ा बढ़ा के, ठीक है। तो बाकी आज के बस इतना ही, थैंक यू सो मच।